बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पे भी है इस समय। रोड की हालात बहुत ज्यादा, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सारे अधिकारी लोग चुपचाप सो रखे हैं। बहुत अच्छा गांव यहाँ पे आपको दिख रहा है, पुलिंडा गांव, ये देखिए ठीक रोड के समीप। और इस तरफ ये बिल्कुल ये खाई वाली ब्रिज वाली जो दीदी के है उन्हीं का मायका है, ये देखिए उमरेला गांव। बद्री विशाल नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी, स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी अपने घर से, और देख सकते हैं पीछे गाय खड़ी है यहाँ पे। और अभी मौसम अभी क्या है कि रात भर से बारिश हो रही थी, जम के बारिश हुई थी रात भर, अभी बारिश रुकी हुई है। फिलहाल मौसम बना हुआ है, बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। वैसे कल दिन में भी हुई थी बारिश, कोटद्वार में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, पहाड़ में नहीं हुई थी। फिलहाल मौसम आजकल बरसात का है तो बारिश कभी भी हो सकती है। और अभी मैं हूँ रेडी पूरे, देखता हूँ आज कहाँ जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा तो दिखाएंगे आपको, आपको ले चलेंगे सीधे। तो बने रहा मेरे इस वीडियो में। जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है तो दिखाएंगे आप। आज मैं हाथी में कोटद्वार दुपट्टा आगे जाता हूँ, तो आज मैं पहाड़ गांव जा रहा हूँ। देखिए मैं और नीचे वाली रोड गई दुपट्टा, और मैं गया आज बल्ली। तो आज मेरा सफ़र है दोस्तों बल्ली, यहाँ से कम 20-22 किलोमीटर है आज, आज बल्ली जा रहा हूँ। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, तो हालत रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ की भी बहुत ज़्यादा। काम तो हो रहा है पर पता नहीं बरसात में काम या पहले काम क्यों नहीं हुआ, ये पता नहीं है। और बीच में देखो सरिया निकाल दिए, ये सबसे खतरे वाला जो है ना, कि रात के टाइम में कोई अगर गाड़ी आएगा ऐसे आएगा तो भैया ये हादसा तो होगा ही होगा, क्योंकि बीच में सरिया बाहर निकाल दिया है। पता नहीं कौन से ठेकेदार हैं, कौन से जो काम करने वाले हैं, लेबर है, पता नहीं क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उनको सरिया ही बाहर निकाल दिया। बीच में यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा बोल्डर यहाँ पे आ गिरा है, ये देखिए। तो रास्ते की हालत यहाँ भी बहुत ख़राब है, ये देखो भाई साहब, यहाँ तो पूरी रोड आधी रोड चली गई है, पुस्तक लग रहा है इस रोड पे। बाकी रोड की हालत देखिए आप, बहुत ज़्यादा ख़राब है, भयंकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस समय। पूरा का ये पेड़ यहाँ पे गिर चुका है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस समय। पहुँचने वाले हैं लगभग रामणी पुलिंडा की ओर बल्ली, और यहाँ तो आप देख सकते हैं भयंकर वाली जो स्थिति क्या है, जैसी जो दुगड्डा वाला जो स्थिति है ना दुर्गा देवी माता के मंदिर, वही यहाँ पे भी है। बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पे भी है इस समय, रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखिए। एक्सपर्ट लोग ही चल सकते हैं, सही बात है, जिनको ऑफ रोडिंग में या कहीं जो डेली जिनका आना जाना वही जा सकते हैं इस रोड में। बाकी बिल्कुल चट्टान है, ये देखिए बहुत खतरनाक स्थिति इस समय इस रोड की है। अभी मैं लगभग पहुंच गया हूँ पुलिंडा गांव, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पुलिंडा गांव है, और लगभग बल्ली ये कोटद्वार से कम 15-16 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई। बाकी रोड की हालत आपने देख ली है, बिल्कुल बेकार रोड है, बस बदतर इस रोड की हालत है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सारे अधिकारी लोग चुपचाप सो रखे हैं और सारे अधिकारी लोग कोटद्वार ही घूम रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कि इस रोड की कोई आप इस रोड का कोई देखे ना, कुछ नहीं है ना, कोई यहाँ पे काम करने वाला ना, जेसीबी, एक जेसीबी है वो भी साइड खड़ा है, वो भी क्या करेगा भैया, वो इसने भी खड़ा कर रखा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और इस साइड ही देख सकते हैं बिल्कुल खाई वाला मंजर, ये देखिए आप, ये पिछले साल भी था, और बिल्कुल खूबसूरत मेरे पीछे खूबसूरत गाँव पुलिंडा गाँव। और मेरे साथ आज कभी कोई मेरे साथ रहता है, कभी शुभम रहता है, कभी नेगी जी रहता है, आज मेरे साथ है तुषार। तो आज मेरी जो सवारी है वो तुषार के साथ, और तुषार का गांव भी है, तुषार अपना घर बताएगा अभी यहाँ से कौन सा उसका घर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पुलिंडा गांव, और ठीक जो उधर है वही है ना गाँव, वो घर है ना सबसे ऊपर ये वाला, तो यही है तुषार का घर, ये देखिए। कौन रहता है घर में अभी? चाचा चाची। अच्छा चाचा चाची रहते हैं तुषार के, और एक बार यहाँ से दिखा लेता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये पुलिंडा गाँव है जो ठीक रोड के समीप है, पुलिंडा गांव, खूबसूरत गांव आप देख सकते हैं, ये देखिए। और लगभग मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं यहां पे भी, जैसे कपड़े लोगों ने बाहर सुखा रखे हैं, तो लोग अभी हैं, खेती बाड़ी कर रखी है, मक्का लगा रखी है, केले के पेड़ हैं, बहुत सारे घास के पेड़ हैं, तो
तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भी और अच्छी खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कहते हैं जैसे जो मार्केट में आता है कोटद्वार में प्याज और मूला, वो सब यहीं से आता है, पुलिंडा गांव से। एक खूबसूरत आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा गांव यहाँ पे आपको दिख रहा है, पुलिंडा गांव, ये देखिए ठीक रोड के समीप। और इस तरफ ये बिल्कुल ये खाई वाला मंजर, बहुत ख़तरनाक मंजर है इस समय। और बारिश में इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत गांव। अभी चलते हैं सीधे आगे और यहाँ पे एक ढाबा है, चाय वाला ढाबा, हिवाली कांठी ढाबा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्सर चाय मिलती है, जब भी लोग यहाँ जाते हैं तो लोग यहाँ पे चाय का आनंद ज़रूर लेते हैं, पुलिंडा गांव। तो अभी हम पहुँच गए हैं रामणी, ये रोड जा रही है वहाँ दुकट्टा। ग्राम उतिरछा, ब्लॉक दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल, और ये है खूबसूरत गांव। यहाँ पे बैंक भी है, स्टेट बैंक, आप देख सकते हैं। ये है उतिरछा गांव, उतिरछा नहीं उतिरछा, भरतनगर बोलता है कौन? अच्छा, तो इसको उतिरछा गांव और भरतनगर भी कहते हैं इस गांव को। अच्छा, तो बल्ली आगे नीचे, बल्ली आगे, अच्छा तो ये भरतनगर भी कहते हैं इसको। बाकी गांव आप देख सकते हैं, ठीक रोड के ही पास में गांव पूरा बसा हुआ है, पर रोड की हालत बहुत ख़राब है, बरसात में तो जहाँ बारिश होती है वहाँ पानी पानी भरा जा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं पॉली हाउस, ये देखिए, और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी खेती हो रखी है, आप देख रहे हैं टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं कुछ यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये देखिए टमाटर के पौधे हो गए, सब्जियाँ हो गई हरी भरी, ओ भाई काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे कर रखी है पॉली हाउस। और एक हम देख रहे हैं एक आंटी जी कम खेती में लगी थे, ये देखो खूब खेती बाड़ी करने पड़ेगी आंटी जी, एक यहाँ तो जो मैंने आपको दिखाया ना ग्राम उतिरछा मैंने भरतनगर, ये पूरा ये लगभग यहाँ पे ख़त्म हो गया भरतनगर, आगे है बल्ली, तो बल्ली दिखाऊंगा मैं आपको, जाना थी बोड़ा जी। अच्छा यो बल्ली चो, अच्छा आपको उम्र कत हो गई, 90 पहुंच गया, तो वही फुर्ती देखो, क्या नाम था आपका, क्या नाम छे, मौला बगास है, मौला बगास। अच्छा तो आप गांव, आप गांव छियो, हां नाम ना गांव बहुत दूर है ना। अच्छा पैदल जो, पैदल जो में, अच्छा पैदल जाना था, पैदल जो में। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो ठीक, 90 साल की उम्र में भी देखो बहुत फुर्ती है, हम कोटद्वार, कोटद्वार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा तो ये हो चुकी बल्ली है, तो आपको एक खूबसूरत बल्ली गांव मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं आप ठीक। और ये भी रोड के पास में ये गांव है, बिल्कुल खूबसूरत बल्ली गांव। अच्छा कहाँ जानी वो रोड वा? अच्छा बहुत गाँव छिन्या, अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं कि बहुत सारा गांव है यहाँ पे, बहुत सारे गांव, और खूबसूरत आपको एक बल्ली गांव दिख रहा है यहाँ पे ठीक। इधर आपको ये बोर्ड भी दिख रहा है, ये देखो बल्ली बाजार है। अच्छा बल्ली बाजार है, ग्राम पंचायत बल्ली, बल्ली तो बल्ली आप देख सकते हैं बल्ली। नहीं खेती बाड़ी की क्यों देखो, खेती बाड़ी सब जानवर खा जाना। अच्छा साइड हो जाओ। बाकी खेती बाड़ी तो होती है, पर वही है कि जानवर बहुत ज्यादा हैं, जानवर सब खा लेते हैं। हमारे यहाँ पे हाथी, अच्छा हाथी भी आते हैं, मेथी खाते हैं, हैं मथाना मेथी खाते हैं, अच्छा हाथी आते हैं, अच्छा साफ करते हैं गेहूं जो बसा, ये कितने आते हाथी, यकीन है ये कितने आते, अच्छा यहाँ नहीं आते, सब खा लेता है, सही बात सही बात, हाँ तो हाथी भी आते हैं यहाँ पे। बाकी खूबसूरत आपको मौसम, और जो ये फॉग, ये आपको कोहरा दिख रहा है, कोहरा धीरे धीरे करके इधर ही आ रहा है बल्ली की तरफ। और एक छोटा सा मार्केट है बल्ली, खूबसूरत मार्केट आप देख सकते हो, उधर गाड़ियाँ भी खड़ी है, ये देखिए गाड़ी भी खड़ी है,
और जो भी कोटद्वार से जो भी गाड़ियाँ आते हैं वो यहीं तक आते हैं, आगे भी जाते हैं, कांडई गांव है आगे, आगे तक भी रोड आगे जाते हैं मठाना। अच्छा, आगे गांव भी है मठाना, कांडे तक जाती हैं गाड़ियाँ, तो आगे भी रास्ता है, आगे भी रोड है, जब कभी टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं बल्ली, खूबसूरत बल्ली का नज़ारा आप जैसे देख सकते हैं ठीक रोड के पास में। फिलहाल अभी कोहरा लगा हुआ है पूरे गाँव में, लग गया है धीरे धीरे करके। आप यहाँ से सीधा निकल रहे हैं दुगड्डा। अभी साथियों अभी हम रामणी पुलिंडा से सीधे हम दुगड्डा की ओर निकल रहे हैं, और ये रास्ता भी फिलहाल तो अभी तक तो रास्ता कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पे एक प्यारा सा यहाँ पे एक झरना टाइप एक पानी यहाँ पे हमको दिखा, और अभी तक तो पानी बिल्कुल ये है कि मतलब अगर तेज़ बारिश होती है तो फिर तो ये और भी ज़्यादा मतलब यहाँ तक आ जाएगा रोड तक। फिलहाल एक जो सीन यहाँ पे दिख रहा है बहुत प्यारा लग रहा है, और इस समय जो भी लोग जैसे यहाँ से पर्यटक जो लोग जाते होंगे ना वो अक्सर यहाँ पे आते होंगे, नहाते होंगे। फिलहाल खूबसूरत सा आपको यहाँ पे एक पानी का यहाँ पे स्रोत यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, और ठंडा पानी भी है क्योंकि मैं पैर रखे ना, बहुत ठंडा भी है यहाँ पे पानी। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं दुगड्डा के लिए। तो अभी साथियों अभी रामणी पुलिंडा से सीधे हम निकल रहे हैं दुगड्डा के लिए, और रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल रास्ता भी पक्का है, कोई दिक्कत नहीं इस रास्ते पर। और फिलहाल हमको यहाँ पे ठीक बैंड में ही एक गांव दिखा, यहाँ पे गांव का नाम है कैतुकी, कैतुकी गांव है। तुषार है मेरे साथ, तुषार का पहले हमने तुषार का गांव दिखाया पुलिंडा, अब तुषार की बुआ रहती हैं, तो तुषार की जो मेरा फ्रेंड है तुषार की बुआ का घर है यहीं पे गांव में। अब पहले आपको मैं एक जूम से दिखा लेता हूँ गाँव का एक नज़ारा, बहुत पुराने पुराने यहाँ पे घर आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पुराने घर, और गाँव आपको दिख रहा है बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर पूरा जंगल हो गया, और जंगल के ठीक बीच में इधर भी पूरा पहाड़, और ठीक इसके बीच में है कैतुकी गांव। और तुषार के बुआ का जो घर क्या है, कौन सा वाला तुषार, ये नीचे है जो जिस पर डिश टीवी लगी है। अच्छा नीला, ये नीचे ना। हाँ, ये सामने आगे दिख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, ये पोल के पास ही बुआ का घर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बिल्कुल एक गाँव आपको दिख रहा है, बहुत पुराने पुराने घर। ये बताओ कभी रहोगे इस गांव में, इसमें जो आपको ये घर दिख रहे हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि लोग यहां पे रह रहे हैं। फिलहाल जो लोग अभी जो बाहर हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो शायद वाकई में अपने गांव को मिस करेंगे कि हमारा गांव यहां पे, अब बहुत पुराने पुराने यहां पे घर आप देख सकते हैं, कैतुकी गाँव, और ठीक रोड के पास में ये गाँव, और अभी भी लोग यहाँ पर हैं इस गाँव में, और आजकल भी वैसे गाँव बिल्कुल खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं लोग, और लोग अपने अपने गाँव छोड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, दिल्ली देहरादून कोटद्वार लोग वहीं बस रहे हैं। और एक गांव आपको मैं दिखा रहा हूं, खूबसूरत गांव, और खेती भी है इस गांव में आप देख सकते हैं कि मक्का भी यहां पे लोगों ने लगा रखे हैं, और पेड़ पौधे काफ़ी सारे, और आप देख सकते हैं कि गाय बछिया भी हैं आप देख सकते हैं, बकरी भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं, आप बैठने के लिए यहाँ पर बेंच लगा रखा है, और रास्ता ये है इस गाँव के लिए, और रास्ता थोड़ा आजकल बारिश हो रही है तो रास्ता मिट्टी तो आ ही रही है ऊपर से, फिलहाल रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता पक्का रास्ता है, सीमेंट का बना हुआ, ये देखिए यही जा रहा है रास्ता। तो अभी साथियों मैं पहुंच गया हूं आगे नीचे, ये आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय उमरेला, ये है उमरेला विकासखंड दुगड्डा, और प्राथमिक विद्यालय है, अभी स्कूलों की छुट्टी हो गई है, अब किसी ने यहाँ पर घास भी रखा हुआ है देखो, बाकी ये स्कूल है अभी, आगे अभी गांव भी दिखाऊंगा मैं आप। तो अभी मैं पहुंच गया हूं उमरेला गांव, ये देखिए अभी प्राथमिक विद्यालय दिखाया मैंने आपको, और ये है उमरेला गांव, ये देखिए खेती बाड़ी देखिए, खूब आज कल लोगों ने मक्का उक्का लगा रखे हैं, ये है उमरेला गांव। और यहां अभी कुछ दिन पहले एक फ्रिज वाली दीदी एक वायरल हुआ था एक वीडियो, तो उन्हीं का यहाँ पर मायका है, जो फ्रिज वाली जो दीदी क्या है उन्हीं का मायका है, ये देखिए उमरेला गाँव, और ठीक रोड के पास में बसा हुआ है, इधर रोड हो गई और रोड के पास में है उमरेला गांव, और इधर ये मक्के की खेती कर रखी है, और समय बहुत अच्छी खेती है मक्का की, ये देखिए और बहुत अच्छे अच्छे घर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए ये है उमरेला गांव, बाकी ठीक रोड के पास में ये है गांव उमरेला गांव, और यहाँ पे इधर अंकल जी लोग बकरे चढ़ाए ढिबरा चढ़ाए कहिए अंकल जी लोग, रास्ता ही जानो जो उमरेला गाँव का रास्ता, इधर यहाँ पे बेंच भी लगा रखा है बैठने के लिए, एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आदर जय भी ग्राम उमरेला, ये चल यही है रास्ता। फिर से दिखा रहा हूँ मैं एक बार उमरेला गाँव, अभी मैंने आगे उधर से दिखाया
तो बिल्कुल आगे का था वो फ्रंट वाला, और इधर से मैं बैक से दिखा रहा हूँ तो ये पूरा गांव आपको दिख रहा है, उमरेला गांव, ये देखिए। और यहाँ से कितना खूबसूरत गांव दिख रहा है, और नीचे ठीक मंदिर भी है यहाँ पे, उमरेला गांव के मंदिर भी है यहाँ पे। बाकी यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ उमरेला गांव, ये देखिए। और इधर भी है, इस तरफ भी है, इधर भी है। और अगर वो फ्रिज वाली दीदी ज़रूर वीडियो देखेगी तो बिल्कुल अपना यहाँ पे घर भी ढूंढेगी कि मेरा घर कौन सा है, ये देखिए। और हमारे साथ एक यूट्यूबर वाली एक दीदी भी हैं, ममता रावत जी, उनका भी यहाँ पे माइका है, तो वो भी ज़रूर देखेंगे कि मेरा आज घर यहाँ पे गांव दिखा दिया इन्होंने। तो कई लोग हैं जो अपने गांव को शायद मिस भी करते हैं, जो लोग देखते हैं कि हमारा गाँव है, तो आज मैं यहीं दूर से दिखा रहा हूँ। तो अभी साथियों मैं आ गया हूँ दुगट्टा, लगभग पहुँच गया हूँ। तो ये पुल है यहाँ पे, ऐता वाला पुल है, और आगे ही ये रोड जा रही है ऊपर टोड़द्वार के लिए, ऊपर तो बस जा रही है, एक टोड़द्वार के लिए एक रोड जा रही है। तो इस पुल में मैं पहुँच गया हूँ, और इसके नीचे है नदी। तो नदी का तो जलस्तर क्या है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है फिलहाल, अभी ठीक है, पानी बिल्कुल साफ है। तो चलो आज मैंने आपको दिखाया है टोड़द्वार से रामणी, पुलिंडा, बल्ली, और फिर मैं आया नीचे, एक दो गाँव मैंने और दिखाया आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को गाँव, कैसा लगा, रास्ते कैसे लगे, जरूर कमेंट करके जरूर।